Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Maths by Hashim Zia। बेटा हम लोग रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस कर रहे थे, तो आज का जो पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर आ रहा है ये रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 3 आ रहा है, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की। यानी कि क्लास में जहां से हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को छोड़ा था, आज की क्लास में वहीं से बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने स्टार्ट करना है। ये जो प्रॉपर्टीज होंगी ये पेपर के रिस्पेक्ट से बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज के अंदर इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेतहाशा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले नंबर के ऊपर मैं आपको साथ साथ प्रॉपर्टीज बताता भी रहूंगा और फिर उनको सॉल्व भी करवाता रहूंगा। तो सबसे पहले आप पहली प्रॉपर्टी अपने पास लिखिए। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि z और z कॉन्जुकेट जो होते हैं वो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होते हैं, सही है ना? क्या कहा मैंने, आइए बात को समझिएगा। आप अपने पास लिख लीजिए कि z and z कॉन्जुकेट आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर अबाउट द रियल नंबर्स और x एक्सिस। क्या कहा मैंने कि z and z conjugate are the reflection of each other about the real axis। इसके मायने ये हुए कि आपके पास कभी भी कोई सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अगर कभी भी आपके पास कोई सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स सपोज z is equal to a plus iota b, और कोई सिंपल इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुकेट, क्या होगा, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होगा a माइनस का आयोटा b। तो पहली प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है कि भाई आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उसी का कॉन्जुगेट हो, तो वो हमेशा उनके रियल पार्ट तो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होंगे, सिमिलर होंगे, एक दूसरे का क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। और जो आपके इमेजनरी पार्ट होते हैं वो भी सेम इन मैग्नीट्यूड है, बट उनका जो साइन होता है वो अपोजिट होता है, वो क्या होता है, अपोजिट होता है। तो बेसिकली वो इस बेसिक सी बात को डिफाइन कर रहा है ये पहली प्रॉपर्टी के अंदर कि आपके पास जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट होते हैं, उनका रियल पार्ट एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि सिमिलर होता है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो भी मैग्नीट्यूड में सिमिलर है मगर उसका साइन अपोजिट होता है दूसरे से। क्लियर है मेरा बच्चा? अच्छा भाई, एक और प्रॉपर्टी देखिएगा, और ये प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा मजे की है, पेपर्स में बहुत आ चुका है ये एमसीक्यूज, कि अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लूं और फिर जो आंसर है दोबारा से उसका कॉन्जुगेट ले लूं, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर वापस से आ जाएगा। यानी कि आप क्या करो, आपके पास लेट सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैं आपको देता हूं 3 - 4 आयोटा, ये आपका ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है, सही है? मैं आपसे कहता हूं इसका एक दफा कॉन्जुगेट लो, तो 1 टाइम कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 + 4 आयोटा। मैं आपसे कहता हूं फिर इसका एक दफा और कॉन्जुगेट लेना है, तो एक दफा और कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, दोबारा से 3 - 4 आयोटा बन जाएगा। तो ये गौर से देखो, क्या ये ओरिजिनल क्वेश्चन के बराबर आ गया? तो हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा कि भाई डबल कॉन्जुगेट जो होता है वो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आ जाता है। क्लियर है मेरा बेटा? बहुत ही आसान सी बात करी है। थर्ड पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर मूव करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी भी बहुत मजे की है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कभी भी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ अगर ऐड करवा दो। ये थर्ड प्रॉपर्टी बेटा बहुत ज्यादा नस साइड के ऊपर, एनईडी साइड के ऊपर, पास साइड के ऊपर और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आ चुकी है। थर्ड प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट। तो थर्ड प्रॉपर्टी आपसे क्या कह रही है, कभी भी अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी के कॉन्जुगेट का सम लो, तो हमेशा ये बात याद रखिएगा, आंसर आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट मिलेगा आपको। इसको ऐसे भी करके बहुत जगहों पे लिखा होता है, ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा होगा। इसका मतलब क्या है, हालांकि ये बहुत आसान सी बात है, मैंने आप लोगों को भी पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर ये सारी बातें पढ़ाई हुई हैं, डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हुए बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं, मगर मैं इसको भी समझा देता हूं थर्ड प्रॉपर्टी को। थर्ड प्रॉपर्टी आपसे क्या कह रही है, और से देखिएगा, लेट सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आ रहा है 3 + 7 आयोटा, सही है? मेरे पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी का कॉन्जुगेट, मेरे पास कॉन्जुगेट आ रहा है इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉन्जुगेट के मायने क्या होते हैं, लास्ट क्लास में बताया था, इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करना। तो मेरा बेटा वो क्या होगा, वो होगा 3 - 7 आयोटा। देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर तुम कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसी के कॉन्जुगेट का सम ले लो, तो भाई आपके पास आंसर हमेशा क्या होगा, ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट होगा। आइए चेक कर लेते हैं। भाई अगर मैं इन दोनों का सम लूं, तो जाहिर सी बात है 3 + 7 आयोटा प्लस का 3 - 7 आयोटा, +7 आयोटा से -7 आयोटा कैंसिल आउट हो गया, और 3 + 3 किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर तो आएगा, अगर गौर से देखो ट्वाइस ऑफ 3 के बराबर आएगा क्योंकि सेम टर्म है ना भाई, इसको इसको ऐड करवा दो तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा 6 ही बन जाएगा ना। 3 + 3 किसके बराबर आएगा 6 के बराबर आएगा। यानी कि तुम्हारे रियल पार्ट का क्या आ रहा है ट्वाइस आ रहा है। या आसान भाषा में अगर आपसे मैं कहूँ कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है एक्स प्लस का आयोटा वाई, उसका कॉन्जुकेट क्या होगा एक्स माइनस का आयोटा वाई, तो अगर इन दोनों का सम ले लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा प्लस के आयोटा वाई से नेगेटिव का आयोटा वाई कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा 2x। तो 2x क्या है ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट आ रहा है, x इज योर रियल पार्ट तो ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट इज योर आंसर। तो प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का आप सम लोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा होगा। चौथी प्रॉपर्टी अगेन बड़े मजे की है, जो फोर्थ प्रॉपर्टी जिसके ऊपर मूव करने वाले मेरा बच्चा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत मजे की। ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लोगे मेरा बेटा, अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से सबट्रैक्ट करवा दो, यानी कि आप बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से क्या करवा दो सबट्रैक्ट करवा दो, तो आंसर क्या होगा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग आंसर होता है ट्वाइस ऑफ द इमेजिनरी टर्म ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, $1 बिलियन की प्रॉपर्टी है कि कभी भी अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपस में क्या ले लो सबट्रैक्शन कर दो, सबट्रैक्शन करने के ऊपर आपको बेसिकली क्या मिलता है, आपको डिफरेंस लेने के ऊपर क्या मिलता है ट्वाइस ऑफ द इमेजिनरी टर्म ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रही होती है। भाई ये जो एमसीक्यूज होते हैं थ्योरी के तौर पे बहुत आते हैं, थ्योरी के तौर पे बेतहाशा आते हैं। लेट्स सपोज अगर ये एमसीक्यूज पेपर में आएगा थ्योरी के तौर पे कैसे आएगा, what will happen या what will be the correct option, what correct option will be true if we take a difference between a complex number and its conjugate। अब बच्चा थ्योरी के क्वेश्चन को देख के इंग्लिश को देख के पता नहीं क्यों घबरा जाता है, एक तो हमारे पाकिस्तान के बच्चे इंग्लिश को देख के बहुत जल्द घबराते हैं। तो भाई आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से आता है, आपको खाली समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर उसको कॉन्जुगेट का डिफरेंस ले लो तो आंसर क्या होगा। भाई जल्दी से सपोज कर लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट्स सपोज तुमने सपोज कर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई और उसी का कॉन्जुगेट क्या होगा, उसी का कॉन्जुगेट मेरा बेटा होगा एक्स माइनस का आयोटा वाई, क्या होगा एक्स माइनस का आयोटा वाई। तो हमने खुद ही सपोज भी कर लिया, क्लियर है मेरा बच्चा। अब देखो तुमसे अब की बारी में डिफरेंस लेने को कहा, डिफरेंस लोगे तो मेरा बेटा जाहिर सी बात है तमाम साइंस कन्वर्ट हो जाएंगे, क्या होंगे भैया तमाम के तमाम साइंस कन्वर्ट हो जाएंगे, सही है ना। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, प्लस का आयोटा वाई और प्लस का आयोटा वाई क्या हो जाएगा मेरा चंदा, ये हो जाएगा 2 आयोटा वाई, क्या हो जाएगा 2 आयोटा वाई। तो भाई देखो आंसर क्या आ गया, जब आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ डिफरेंस लेते हो तो आंसर में देखो क्या आता है ट्वाइस ऑफ द इमेजिनरी टर्म ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्वाइस ऑफ द इमेजिनरी टर्म ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो मुझे आपको देना था, क्लियर है। ये थर्ड प्रॉपर्टी या फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा $1 बिलियन की। अच्छा अब जो फिफ्थ प्रॉपर्टी करवाने वाला हूं ना, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, इसके ऊपर भी बेतहाशा एमसीक्यूज आते हैं, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं इस टॉपिक को समझा देता हूं, प्रॉपर्टी क्या है मैं इस प्रॉपर्टी को समझा देता हूं। लिखा हुआ आएगा तुम्हारे पास x² + का 9y², बताओ इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास। या फिर पेपर में तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा अल्लाह भला करे 3x² + के 7y² के फैक्टर्स क्या होंगे। अब बच्चा अपना सर खुजाने लग जाता है, सोचने लग जाता है यार ये फैक्टर्स तो भाई निकालने के लिए सर फॉर्मूला होना चाहिए था या इक्वेशन होनी चाहिए थी, इन क्वेश्चंस को सर कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है, आपको कॉन्सेप्ट मैंने दिया, मैं भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूंगा तो आप वाह वाह कर उठेंगे और बोलेंगे सर वाह इतनी आसान चीज थी। बिल्कुल मेरा बेटा देखो अगर इन क्वेश्चन को समझना है ना तो बात का आगाज करेंगे और एक बेसिक लेवल से। अगर मैं तुम्हारे सामने लिख दूं x² - का y², तुमसे कहता हूं कि फैक्टर बताओ तो बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हैं सर, a² - b² का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा a + b × a - b, है ना भाई। बचपन में ट्यूशन वाली बाजी से पढ़ा होगा कि भाई तुम्हारे पास a + b × a - b फॉर्मूला किसके बराबर होगा x² - y² के। यानी कि आसान भाषा के अंदर अगर तुम्हें x² - y² के फैक्टर निकालने तो वो क्या होंगे सिंपल तरीके से वो होंगे x + y × x - y। भाई फॉर्मूला है ना a² - b² का बराबर होता है a + b × a - b के। तो अब जरा गौर से यहाँ पे देखो तुम्हें यहाँ पे भी फैक्टर्स निकालने को दिए हुए। अब तुम सोचोगे सर फॉर्मूला तो माइनस के लिए होता है, यहाँ पे माइनस तो नहीं आ रहा तो क्या करें, तो माइनस नहीं आ रहा तो लाओगे ना सर, माइनस कैसे लाएंगे। अरे मेरे प्यारा बच्चा कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक पढ़ लो, कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है अब आप बोलोगे सर नेगेटिव बन के, तो देखो मैथ्स बड़ी मजे की चीज है। मैथ्स जिसने भी बनाई बहुत मजे की चीज बनाई। मैथ्स आपसे कहता है कि आपने कोई भी स्टेप किया, अगर आप उसको रिवर्स प्रोसेस कर सकते हो या अपनी बात को आप जस्टिफाई कर सकते हो, उसका मतलब आपने सही स्टेप परफॉर्म किया है, तो ये घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैथ्स इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करके होती है। वो बच्चे जो कहते हैं कि सर हमें पास पेपर देख के क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या एग्जाम में क्वेश्चन आ गया हमें समझ में नहीं आया, या फिर हम जब प्रैक्टिस करने बैठे तो हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आते, वो जाहिल लोग हैं जो क्वेश्चन देख के फैसला कर लेते हैं कि क्वेश्चन उनसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। क्योंकि मैथ्स के अंदर तो क्वेश्चन देख के आप ये फैसले नहीं कर सकते जब तक कि आप उस क्वेश्चन को पहले कॉपी पे ना उतारो, फिर बैठ के कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश ना करो, काटम पीटी ना करो, इक्वेशन को देखो, इक्वेशन को तोड़ने की कोशिश करो, जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे जहन में आता है उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। यानी कि वो बच्चे, मैं बड़ा हैरान होता हूँ, बच्चे कहते हैं सर वो क्वेश्चन देखा था समझ में नहीं आया। अबे तुम आइंस्टाइन की औलाद हो, तुम्हें क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आया, पहले उसको अप्लाई तो करो, पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश तो करो। मैथ्स तो कहती है सॉल्व करने को है, और मैथ्स के अंदर जितना सॉल्व करते हो, अगर आपने सॉल्यूशन गलत भी कर रहे हो तो कोई मसले की बात नहीं, उससे आप कोई नई चीज सीखते हो हमेशा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, क्लियर है मेरा बच्चा? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई कभी भी कोई मसला आए, फंसो तो नेट पे सर्च बाद में करो, पहले उसको तुम बेसिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखो तुम्हारे पास यार एक्स प्लस का 9 स्क्वायर, कैसे सॉल्व करोगे मेरा बेटा? सिंपल तरीके से देखो, मैथ्स के अंदर तुम्हें मालूम होगा कि प्लस बराबर बेसिकली किसके होते हैं? माइनस माइनस के बराबर होता है प्लस, है ना भाई? तो अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह पे एक माइनस साइन लिख दूं और एक लिख दूं आयोटा स्क्वायर, और आगे 9 स्क्वायर एलडीडी का एलडीडी रहा। सर ये क्या काम किया भाई? मैथ्स कहता है कि यहाँ पे प्लस का सिंबल था इस ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर, तो मुझे नीचे भी प्लस ही रखना है। अब मैंने इस प्लस को थोड़ा मजे से लिख दिया, भाई ये माइनस का सिंबल एलडीडी है और आयोटा स्क्वायर भी किसके बराबर होता है? माइनस 1 के, तो माइनस माइनस वापस से क्या बन गया? प्लस बन गया। इससे हमारा एक काम आसान हो गया। क्या आसान काम हो गया? कि भाई अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे भाई? एक्स के ऊपर भी होल स्क्वायर आ रहा है और इस कंप्लीट टर्म पे भी स्क्वायर आ रहा है। 9 बेसिकली क्या होता है? 3 का स्क्वायर, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ? 3 बाई आयोटा का होल स्क्वायर बन गया। सही है ना? किसका बन गया? 3 बाई आयोटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर, अब आप बेसिकली यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो क्या आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्स प्लस का 3 बाई आयोटा इंटू एक्स माइनस का 3 बाई आयोटा। ये बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर था। ये क्वेश्चन बेतहाशा नस्ट फास्ट एनईडी आईबीए वगैरह हर जगह पे आया हुआ है, ये फैक्टर्स फाइंड करने को, तो इस तरीके से फाइंड कर रहे होते हैं। अब लेट सपोज ये क्वेश्चन आ जाए, इस क्वेश्चन में भी सेम पैटर्न है कि यहाँ पे क्या है? 3x² प्लस 7y²। आपसे कहा था इसका फैक्टर बताओ, तो भाई देखो तुम्हें मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, माइनस यहाँ पे प्लस आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ गया? तुम्हारे पास 3x² का x² प्लस को ब्रेक कर दोगे माइनस माइनस के अंदर, एक माइनस साइन मैंने लिख दिया और एक माइनस साइन मैंने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया इंटू 7y²। देखो मुझे बात मालूम है कि इस टर्म पे भी कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, इस कंप्लीट टर्म पे भी स्क्वायर होना चाहिए। अब यहाँ पे 3 और 7 पे स्क्वायर नहीं आ रहा, तो मुझे चाहिए यहाँ पे स्क्वायर, नहीं आ रहा तो मुझे फिर भी चाहिए, तो मैं कहते हैं लेकर आ जाओ बट अंडर रूट लगा दो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? मैंने यहाँ पे लिख दिया अंडर रूट 3x का होल स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे मैंने लिख दिया अंडर रूट 7 इंटू बाई आयोटा का होल स्क्वायर। और ये काम मैंने इसलिए करा क्योंकि भाई देखो जब मैं इसका रिवर्स प्रोसेस करूंगा, जब स्क्वायर को वापस ओपन करूंगा तो वापस से मेरे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हमने सही काम किया, कोई गलत काम नहीं करा। अब यहाँ पे फॉर्मुला अप्लाई कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा आपका अंडर रूट 3x प्लस का रूट 7 बाय आयोटा, और दूसरा फैक्टर आपका क्या आ रहा होगा? ये आ रहा होगा अंडर रूट 3x माइनस का रूट में 7 बाय आयोटा। तो आपका एक फैक्टर ये आ जाएगा, एक फैक्टर ये आ जाएगा। इस तरीके से आपका पर्टिकुलरली क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन देख के बताओ किसी भी बच्चे को मेरा बेटा, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? तो दोनों क्वेश्चन के इस तरीके से आपके पास ये आंसर आ रहे होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ये था, इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। क्लियर है भाई? कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात बच्चे सॉल्व करते हैं हमारे मुल्क के। क्लियर है मेरा बच्चा? नंबर 6 प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है? अब जो छठी प्रॉपर्टी आ रही है ना, ये अगेन बड़े मजे की है। इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन पहले बाद में करूंगा, पहले प्रॉपर्टी आपको डिफाइन कर देता हूँ। क्या प्रॉपर्टी आ रही है मेरा बच्चा? प्रॉपर्टी आ रही है कभी भी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हमेशा बराबर होगा। किसके बराबर होगा? अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर ले लूं। क्या कहा मैंने बहुत पत्ते की बात करी और गहरी बात करी, बात समझिएगा। अगर आप कभी भी दुनिया के अंदर किसी भी पर्टिकुलर, अगर आप दुनिया में कभी भी किसी भी पर्टिकुलर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बात जहन में रखिएगा, ये बराबर होगा कि अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ले लूं और फिर उसका स्क्वायर लूं, ये दोनों टर्म्स आपस में बराबर होंगे। तो बहुत दफा एमसीक्यूज पेपर में पूछा जाता है कि भाई अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर का उसी के कॉन्जुगेट से क्या ले लो, उसी के कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट ले लो, तो ये किसके बराबर होगा? नीचे 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। तो हमेशा याद रखिए अगर आप एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ले लो और फिर उसका स्क्वायर लो तो वो भी सेम टर्म आपको आंसर में आएगी। कैसे? बात को एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है Z is equal to 2 plus का 3 आयोटा, सही है, और इसी का कॉन्जुगेट क्या होगा भाई? इसी का कॉन्जुकेट मेरे पास होगा कि z कॉन्जुकेट इज इक्वल टू 2 माइनस का 3 आयोटा। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है 2 प्लस 3 आयोटा और उसी का कॉन्जुकेट क्या आ रहा है 2 माइनस का 3 आयोटा। तो अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लूं, अगर मैं इन दोनों का क्या लूं भैया प्रोडक्ट लूं, तो आइए देखते हैं क्या बनेगा। अगर हम दोनों का क्या ले लें प्रोडक्ट ले लें। सो भाई सिंपल तरीके से क्या करेंगे मेरा बच्चा, ये 2 प्लस 3 आयोटा को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दो किसके साथ 2 माइनस 3 आयोटा के साथ, तो क्या बन जाएगा 2 2 4 हो गया, सही है ना भाई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 into 3 ये आ जाएगा नेगेटिव के 6 आयोटा के बराबर। और आगे क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, ये बराबर आ जाएगा सिंपल तरीके से आपके पास अल्लाह वाला करे क्या 3 आयोटा इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 3 आयोटा इंटू 2 क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा प्लस का 3 2 6 आयोटा। और 3 आयोटा किसके बराबर आएगा नेगेटिव का 3 3 9 आयोटा स्क्वायर। तो माइनस 6 आयोटा से प्लस 6 आयोटा तो कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे क्या आ गया 4 का 4 माइनस का 9 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, तो क्या बन गया 4 प्लस 9 किसके बराबर होगा मेरा बेटा 13 के बराबर होगा। यानी कि अगर मैंने पहले इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट निकाला तो वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया 13 के बराबर। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, दो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट आ रहा है मेरे पास वो किसके बराबर आ रहा है 13 के। अब जरा एक और चीज चेक कर, जब पर्टिकुलर एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट, सबसे पहले आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट निकाला तो ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया आपके पास सिंपल तरीके से 13 के बराबर आ गया। अब चूंकि हमारी प्रॉपर्टी ये कहती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट बेसिकली उनका प्रोडक्ट बराबर होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के, तो आइए इसको भी चेक कर लेते हैं कि भाई क्या हमारे पास आंसर सेम आता है नहीं आता। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास क्या सिंपली 2 प्लस 3 आयोटा, तो यानी कि इसका मॉडुलस लेना है। तो 2 प्लस 3 आयोटा का मॉडुलस का स्क्वायर कैसे निकालोगे भैया, सबसे पहले मॉड निकालोगे, तो मॉड क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस का सिंबल और 3 आयोटा का यानी कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, सही है ना, क्या हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। तो क्या आ गया √13 आ गया। चूंकि आपसे कहा जा रहा है कि मॉडुलस के ऊपर क्या है स्क्वायर है, जो भी मॉडुलस आया उसके ऊपर स्क्वायर ले लोगे तो रूट से स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया 13। तो देख लो मेरा बेटा दोनों वैल्यूज बराबर आ रही हैं। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा, कभी भी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट ले लो उसी के कॉन्जुगेट के साथ, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो बेसिकली सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का अगर स्क्वायर ले लो तो उसके बराबर होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। ये छठा जो एमसीक्यूज था बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्लियर है मेरा बेटा। ये 6 नंबर वाला जो एमसीक्यूज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा। तो आपको छठा एमसीक्यूज छठी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो आई होप आपको क्लियर होगी। अब देखो इसी तरीके से हमारे पास लेट सपोज अगर हमसे कह दिया जाए, अगर हमसे क्या कह दिया जाए भैया कि आपको फाइंड करना है क्या, अगर लेट सपोज आपके पास डिवीजन की प्रॉपर्टी, एक करवा देता हूं मैं आपको, डिवीजन की प्रॉपर्टी वाली बहुत ज्यादा आती है कि लेट सपोज हमारे पास क्या आ जाए डिवीजन की प्रॉपर्टी आ जाए, क्या आ जाए भैया डिवीजन की प्रॉपर्टी। अब जो डिवीजन की प्रॉपर्टी मैं आपको करवाने वाला हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है इसको भी डिस्कस कर लेंगे भी हाथ के हाथ, कोई मसले की बात नहीं है। कि लेट सपोज अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आपके पास क्या आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि लेट सपोज आपके पास आ रहा है z इज इक्वल टू a प्लस b का आयोटा, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ रहा है z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, और आपसे कहा जाता है कि आपको फाइंड करना है 1 डिवाइडेड बाय z, और आपको क्या फाइंड करना है भैया, आपको फाइंड करना है 1 डिवाइडेड बाय z। तो भाई देखो आपके पास दो तरीके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के, यानी कि अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, क्या कहा मैंने, आपके पास आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि आपको 1 डिवाइडेड बाय z निकालना है। तो भाई अगर मैं सिंपल तरीके से मुझे 1 डिवाइडेड बाय z निकालना है, इसका मतलब क्या है 1 का 1 एडिट रहेगा और नीचे डिवीजन में z की वैल्यू डाल दूंगा, तो क्या बन गया 1 डिवाइडेड बाय a प्लस b आयोटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय a प्लस b आयोटा। और फिर आपको मालूम है कि आपके पास चूंकि ये डिवीजन बन गया, तो आप फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, आप जो नीचे वाली वैल्यू आ रही होगी इस सेम नीचे वाली वैल्यू से रैशनलाइजेशन करवाओगे, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसका मिडिल साइन कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं, है ना भाई। ये डिवीजन के लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ कैसे करवाओगे, क्या बन जाएगा a माइनस का b आयोटा से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी करवाओगे, तो उस डिवीजन से जरिए जो आंसर निकालोगे आप, इसको सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में आपके पास एक आंसर आ जाएगा, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था डिवीजन के केस के अंदर। अगर मैं आपको इसलिए शॉर्ट ट्रिक बता दूं कि भाई 1 डिवाइडेड बाय z का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, यानी कि अगर आपसे एग्जामिनर कहता है कि आपको 1 डिवाइडेड बाय z फाइंड करना है, तो बेसिकली उसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही फाइंड करना है, दोनों चीजें एक ही कहलाएंगी। यानी कि अगर आप डायरेक्टली आपको कहीं भी 1 डिवाइडेड बाय z फाइंड करना हो, तो इसका मतलब बेसिकली क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है a डिवाइडेड बाय सिंपल तरीके से a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर कॉमा, नेगेटिव का बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, दोनों सूरतों में आपके पास आंसर सेम आएगा। या तो आप डिवीजन का प्रॉपर कॉन्सेप्ट यूज कर लो रेशनलाइजेशन वाला, और या फिर अगर 1/z का आपको मतलब पता है कि 1/z किसके बराबर होता है, ये सिंपल तरीके से मल्टीप्लीकेशन फॉर्मुले के बराबर होता है, जो कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का फॉर्मुला होता है। वो यही बात कहता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का यही मतलब होता है। क्लियर है मेरा बच्चा? तो दोनों चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई है, आई होप कि आपको क्लियर होंगी। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। अब हम जिस टॉपिक के ऊपर मूव कर रहे हैं मेरा बेटा, वो प्रॉपर्टीज का टॉपिक, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज का टॉपिक आ रहा है। अब ये जो टॉपिक आ रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक से बेतहाशा क्वेश्चन आपके पेपर्स में आएंगे। अब ये टॉपिक क्या क्या रहा है पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। ये टॉपिक बड़ी सिंपल सी बात कहता है, इनवर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट्स के क्वेश्चन, इनवर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट्स के क्वेश्चन। देखो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट को और फिर उसके कॉम्प्लेक्स पार्ट को, इस तरीके से इनवर्स एलिमेंट से कॉम्प्लेक्स पार्ट को। बड़े मजे का टॉपिक होता है, ग्रुप्स का टॉपिक होता है, ऑल्दो मगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी चूंकि आ रहा होता है इसलिए मैं आपको समझा दूंगा। भाई देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट्स एक ऐसा एलिमेंट होता है जब किसी ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करे तो आपके पास वापस ओरिजिनल नंबर आ जाए। यानी कि मेरे पास लेट्स सपोज एक टर्म है ए, अगर मैं इस टर्म ए को इधर प्लस इधर माइनस इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड एक ऐसी टर्म के साथ करवाऊं तो मेरे पास आंसर में ओरिजिनल टर्म वापस से आ जाए। यानी कि मेरे पास एक पर्टिकुलर टर्म है ए, मैंने उस टर्म को प्लस माइनस मल्टीप्लाई कोई भी ऑपरेशन मैंने उसका करवाया एक दूसरी टर्म के साथ, और उस टर्म की खास बात ये थी कि मेरे पास वापस से ओरिजिनल टर्म ए आ गई। तो ये जो ई होता है यहाँ पे कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। ये ई क्या कहलाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एग्जांपल के जरिए बात समझाता हूँ। आपने ये चीज बचपन से करते हुए आए हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 + 0 करूंगा तो आंसर में क्या आ जाएगा? मेरे पास 2 आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जो 0 आ रहा है बेसिकली कौन सा एलिमेंट है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। यानी कि मैंने अपने ओरिजिनल नंबर के साथ कोई ऑपरेशन उस पर परफॉर्म किया, ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म किया कि वापस से मुझे मेरा ओरिजिनल नंबर ही मिल गया। या फिर फॉर एग्जाम्पल 2 × 1, अगेन आपके पास आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो भाई मैंने अपने ओरिजिनल नंबर के साथ एक और नंबर से उस पर ऑपरेशन किया, ऑपरेशन ऐसे हुआ कि भैया मेरे पास वापस ओरिजिनल नंबर आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे 1 क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। मगर अगर आप गौर करो तो यहाँ पे मैंने प्लस करवाया, यहाँ पे मैंने माइनस करवाया, सही है। तो बेसिकली जो प्लस या 0 होता है ना, इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये जो 0 होता है ये हमेशा एडिशन की आइडेंटिटी होती है। दुनिया में किसी भी नंबर को अगर आपने ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आना है तो उसको आप 0 से ऐड करवा दो तो ऑब्वियसली आपको वापस से आपका ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। इसीलिए 0 क्या होता है? 0 एडिशन की आइडेंटिटी होती है, या इसका एक और नाम ये होता है एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को क्या कहते हैं मेरा बेटा? एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। और जो 1 होता है ये हमेशा मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी होती है। तुम दुनिया के किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर पाओगे, वापस तुम्हें तुम्हारा ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। तो बेसिकली 1 की खास बात क्या होती है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होता है। इसका नाम क्या होता है मेरा बेटा? इसका नाम होता है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसका नाम क्या होता है मेरा बच्चा? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अपने जहन से मालूम होनी चाहिए। क्लियर है मेरा बच्चा? इसी तरीके से आप देखो आपके पास इनवर्स एलिमेंट आ रहा है। इनवर्स एलिमेंट क्या होता है? इनवर्स एलिमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनवर्स एलिमेंट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको याद होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। अब इनवर्स एलिमेंट किस सेंस में बात करेंगे? देखो अगर आपके पास एक ओरिजिनल नंबर आ रहा है, आपने उसी नंबर का ऑपरेशन किया उसी के इनवर्स के साथ, तो अगर आपको आंसर में आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। क्या कहा मैंने? दोबारा समझिएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में इसकी प्रॉपर्टी पढ़ाने से पहले मुझे इसकी बेसिक प्रॉपर्टी आपको पढ़ानी पड़ेगी। तो काइंडली इनवर्स एलिमेंट समझिएगा। इनवर्स एलिमेंट क्या होता है भाई? अगर तुमने अपने ओरिजिनल टर्म को उसी के इनवर्स के साथ उसमें कोई ऑपरेशन करवाया, इट कैन बी मल्टीप्लाई, इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस, इट कैन बी डिवाइड, आपने कोई भी ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन होने की सूरत में आपको वापस से आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए तो ये इनवर्स का फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बात को समझेंगे एग्जाम्पल के जरिए। लेट सपोज मैं 2 + करवा रहा हूँ किसके साथ? -2 के साथ, तो आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो भाई 0 क्या था मेरे पास? इफ यू रिमेम्बर 0 मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी था। तो यहाँ पे जो माइनस का 2 है ये बेसिकली क्या है? इनवर्स एलिमेंट है, क्योंकि ये वो एलिमेंट है जब मैंने इसको अपने ओरिजिनल नंबर के साथ, ओरिजिनल टर्म के साथ इसको मैंने प्लस या माइनस ऑपरेशन करवाया तो उस सूरत में मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। और चूंकि प्लस का टर्म है, प्लस का इनवर्स एलिमेंट है, तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एडिटिव इनवर्स। इसको क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे मेरा बच्चा? एडिटिव इनवर्स। मैं दोबारा भी एक बार ये सारी बातें रिपीट करूंगा तो परेशान नहीं होना। इसी तरीके से अगर मैं 2 का इनवर्स लूं या 2 का मैं ऑपरेशन करवाऊं 1/2 के साथ, तो उस सूरत में यानी कि 2 का मैं प्रोडक्ट लूं किसके साथ 1/2 के साथ, तो आंसर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब 1 क्या होता है, 1 होता है देखो मल्टीप्लीकेशन का, मैंने 2 और 1/2 का प्रोडक्ट लिया ना, तो 1 क्या होता है मल्टीप्लीकेटिव, आपके पास होता है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होता है यानी कि प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होता है, तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। तो आपके पास ये 1/2 का कहलाएगा, 1/2 कहलाएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, क्योंकि ये वो इनवर्स एलिमेंट है जिसकी वजह से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट नसीब हुआ, ये वो वजह है जिसकी वजह से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये टॉपिक मैंने ग्रुप्स के टॉपिक के अंदर यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, आप समझना चाहते हो उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां से आके सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर मैं आपकी क्लासेस में आपको इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ा भी रहा हूँ और डिटेल में। क्लियर है मेरा बच्चा? दो बातें आपको अपने जहन में रखनी है, कभी भी आपके पास ये कॉन्सेप्ट आएगा आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर मैं दोबारा सारी बातें यहाँ पे रिपीट कर दूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। भाई आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि तुम किसी भी टर्म को किसी दूसरी टर्म के साथ ऑपरेट करवाते हो इस तरीके से कि तुम्हें पहली वाली टर्म ही आंसर में मिल जाए, इस तरीके से कि तुम्हें पहली वाली टर्म ही आंसर मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल तुम 2 के साथ अगर एडिशन में बात करना चाहते हो तुम्हारा एडिटिव एलिमेंट क्या होगा, तुम्हारा एडिशन या एडिटिव एलिमेंट होगा 0 का, कि अगर मैं 2 + 0 करूंगा तो मुझे मालूम है आंसर 2 मिलेगा, यानी कि मुझे मेरी पहली टर्म वापस से मिल जाएगी। तो बेसिकली 0 क्या हुआ, 0 कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ये वो एलिमेंट है जिसकी वजह से तुम्हें पहला तुम्हारा नंबर वापस मिल गया। इसी तरीके से अगर मैं 2 × 1 करूंगा तो वापस से मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा ओरिजिनल नंबर 2। तो बेसिकली 1 यहाँ पे वो नंबर है जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारा ओरिजिनल टर्म वापस मिल गया, तो क्या कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। छोटी सी शॉर्ट ट्रिक और बता देता हूँ कि 0 जो होता है ये हमेशा एडिशन की रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और जो 1 होता है ये हमेशा मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से इनवर्स एलिमेंट के ऊपर मूव करते हैं। इनवर्स एलिमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बहुत ही आसान सा, कि अगर तुम अपने ओरिजिनल एलिमेंट को उसी के इनवर्स के साथ ऑपरेट करवाओ तुम्हें आंसर के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, तो ये इनवर्स एलिमेंट का ऑपरेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एडिशन की अगर बात करें तो एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 0, अभी हम पढ़ चुके हैं। तो भाई मैंने 2 को उसके इनवर्स के साथ ऐसे ऑपरेट करवाया कि मुझे आंसर में आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। तो ये जो नंबर जिससे ऑपरेट करवाया ना ये एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, आपने इसके रट्टे नहीं मारने, सिर्फ एग्जांपल्स में करवा रहा हूँ तो कोई भी इसके रट्टे मत मारे बैठ के। इसी तरीके से भाई आपको मालूम है कि मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। तो आपने अपने ओरिजिनल नंबर को ऐसे इनवर्स से ऑपरेट करवाया कि आपके पास आंसर के अंदर 1 आ जाए। तो जिस नंबर से ऑपरेट करवाया ना वो नंबर क्या कहलाएगा, वो नंबर कहलाएगा तुम्हारे पास मेरा बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। आई होप तमाम बच्चों को क्लियर होगा। अब अगर ये बात क्लियर है ना तो अब जरा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इस टॉपिक को समझते हैं। अभी तो मैंने बेसिक आपको एग्जाम्पल्स दी है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में समझते हैं। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होती हैं। अच्छा सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भाई आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट्स कौन से होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या चीज, आइडेंटिटी एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से होंगे, इसकी हेडिंग जल्दी से डाल लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर के आइडेंटिटी एलिमेंट्स कौन से होंगे। भाई देखो तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स नंबर में एक हमारे पास होगा एडिटिव आइडेंटिटी, एक क्या होगा हमारे पास मेरा बेटा एडिटिव आइडेंटिटी होगी, और एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे क्या थी 0 थी, यहाँ पे भी क्या होगी। अगर एडिटिव आइडेंटिटी सिंपल नंबर्स के लिए 0 होती है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हो जाएगी, 0 रियल पार्ट 0 इमेजिनरी पार्ट, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या होगी 0,0। तो भाई एडिटिव आइडेंटिटी याद है या भूल गया, ऊपर पढ़ाया था। एडिटिव आइडेंटिटी एडिशन के रिस्पेक्ट से हमेशा क्या होती है, मैंने बताया भी था 0 होती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा 0 रियल पार्ट एंड 0 इमेजिनरी पार्ट, इट्स क्वाइट ऑब्वियस मेरा बच्चा। सिमिलरली मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, खुद सोचो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, देखो मेरा बच्चा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नॉर्मल नंबर या नॉर्मल टर्म की रिस्पेक्ट से क्या होती है, 1 होती है। क्लियर है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नॉर्मल टर्म की रिस्पेक्ट से क्या होती है, 1 होती है। तो अगर मेरे पास सिंपली क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है अल्लाह भला करे क्या चीज आ रही है मेरे पास, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो उसमें क्या होगा, तो भाई उसके अंदर मेरे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है 1 होता है रियल पार्ट, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है ये 0 होता है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट साइन कन्वर्ट करवाते हैं इसलिए 0 करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। क्या कहा मैंने, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, रियल पार्ट हमेशा 1 होगा और इमेजिनरी पार्ट हमेशा 0 होगा। यानी कि ये 1,0 होती है। इसको याद रखिएगा अपने जहन के अंदर कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होगी 1,0 होगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1,0 में इमेजिनरी पार्ट को 0 कंसीडर करते हैं और रियल पार्ट को 1 कंसीडर कर रहे होते हैं, ताकि बेसिकली हमें क्या मिल जाए, हमें आइडेंटिटी मिल जाए। हमें बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव या एडिटिव आइडेंटिटी का काम क्या होता है, काम नहीं भूलिएगा। अगर आपको किसी बच्चे को मसला हो रहा है सर ये कैसे आ रही है, तो भाई काम मत भूलिएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का काम क्या होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट का बेसिकली काम ये होता है कि आप जब इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी एलिमेंट को अपनी ओरिजिनल टर्म के साथ ऑपरेट करवाते हो तो आंसर में वापस से टर्म मिलनी चाहिए। आइए जरा इस टॉपिक के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट तरीन एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट तरीन एमसीक्यूज क्या है कि देखो, लेट सपोज मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आया तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी एज्यूम कर लो, जेड आ रहा है, तुमने बताओ इसका एडिटिव आइडेंटिटी किसके बराबर होगा। तो प्रॉपर्टी क्या है कि भाई तुम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं उस तरीके से लिख के बंद अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑपरेट करवा रहे हो, किसके साथ, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, तो जाहिर सी बात है आंसर में तुम्हें तुम्हारा वापस से कॉम्प्लेक्स नंबर मिलना चाहिए। इट्स क्वाइट ऑब्वियस है, ये बात मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को अब कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। इसी तरीके से अब लेट सपोज मुझे एडिटिव आइडेंटिटी का एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z आ रहा है, अगर मैं इसकी एडिटिव आइडेंटिटी लेना चाहता हूं, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये कि प्लस आएगा यहाँ पे, सही है, ऑपरेशन कौन सा होगा, प्लस का होगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी का ये होता है 0,0। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, जाहिर सी बात है z ही आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 - 3 आयोटा, अगर उसको आप ऐड करवा दो 0,0 के साथ, यानी कि 0 रियल पार्ट एंड 0 इमेजिनरी पार्ट, ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, वापस से आपको 2 - 3 आयोटा ही मिल रहा होगा, ओरिजिनल क्वेश्चन में आपको आंसर मिल रहा होगा। तो इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है 0,0 होगी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी समझ लो कि लेट सपोज कि तुमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, अगेन ऑपरेशन वही है कि तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडेंटिटी लेना है और आंसर में तो वापस से कॉम्प्लेक्स नंबर मिलना चाहिए। तो अब देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा, तुमने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिकली क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन लेने किसके साथ, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में 1,0 होती है, हमेशा आपको याद होनी चाहिए बात। सिंपल टर्म के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है और कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है 1,0। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इससे फर्क क्या पड़ेगा, आंसर में तो z आएगा मगर क्यों आएगा, आइए चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है 2 - 3 आयोटा, अगर मैं इस 2 - 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाऊं किसके साथ, 1 + 0 इमेजिनरी टर्म के साथ, यानी कि 1 रियल पार्ट और 0 इमेजिनरी टर्म हो, तो क्या आएगा, जाहिर सी बात है मेरा बेटा ये पूरा का पूरी टर्म सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगी, 0 से मल्टीप्लाई होगी तो चीजें खत्म हो जाएंगी, तभी उस सूरत के अंदर खाली तुम्हारे पास ये ओरिजिनल आंसर वापस से क्वेश्चन बन रहा होगा। क्लियर है, इसलिए ये क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1,0। तो भाई इस टॉपिक से बेतहाशा एमसीक्यू आ सकते हैं, एज एन प्रॉपर्टी आ सकते हैं कि भाई बताओ कि z into आइडेंटिटी एलिमेंट का आंसर क्या होगा, या इस तरीके से एमसीक्यू दे देगा आपको, या इस तरीके से एमसीक्यू दे देगा, या फिर ये पूछ लेता है बहुत दफा एग्जामिनर कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। क्लियर है, आई होप एडिटिव आइडेंटिटी वाला टॉपिक या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाला टॉपिक क्लियर होगा। अब अगर ये बात क्लियर है तो इनवर्स वाला कॉम्प्लेक्स नंबर में टॉपिक समझ लेते हैं कि इनवर्स एलिमेंट क्या होंगे कॉम्प्लेक्स उसके अंदर, और ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि इनवर्स एलिमेंट क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। 2 तरह के इनवर्स होते हैं मेरा बेटा, एक इनवर्स कहलाता है एडिटिव इनवर्स और एक कहलाता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक इनवर्स क्या कहलाता है मेरा बच्चा, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है, और एक क्या कहलाता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक होता है एडिटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर में और एक क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने दोनों बातें पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे जो आ रहा है ना एडिटिव इनवर्स, हमने ऑल दो चीज पढ़ी हुई है मगर यहाँ पे अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। तो भाई देखो इनवर्स एलिमेंट होता क्या था, अगर भूल गए तो वापस रिवाइज करवा देता हूँ। इनवर्स एलिमेंट ये होता है कि तुम अपने ओरिजिनल जो तुम्हारी टर्म है उसको ऑपरेट करवाओ उसी के इनवर्स के साथ, कि आंसर में तुम्हें क्या मिले, आंसर में तुम्हें तुम्हारा आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। रिमेंबर दिस थिंग। अगर ये प्रॉपर्टी क्लियर होगी मेरा बेटा, अगर ये बात क्लियर होगी तभी क्वेश्चन के टॉपिक समझ में आएगा। अब देखो तुम्हारे पास एडिटिव इनवर्स क्या होगा, देखो तुम्हारे पास यानी कि अगर तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बेसिकली तुमने उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑपरेट करवाना है। तुमने बेसिकली क्या करना है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑपरेट करवाना है किसके साथ, उसी के एडिटिव इनवर्स के साथ, उसी के इनवर्स के साथ, कि आंसर में तुम्हें क्या मिले, एडिटिव की आइडेंटिटी मिले। और ये बात मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं कि एडिटिव की आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है 0,0। ये क्या होती है 0,0। तो ये किस सूरत में पॉसिबल होगा, जब यहाँ पे लिखा हुआ है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा होगा, जाहिर सी बात है प्लस का होगा। और एडिटिव इनवर्स होता क्या है, कुछ भी नहीं होता भाई, अगर मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की तमाम वैल्यूज के साइन कन्वर्ट कर दूं, तो यही मैंने एडिटिव इनवर्स आपको वहां पे भी पढ़ाया था। एडिटिव इनवर्स होता क्या है कि तमाम वैल्यूज के साइन कन्वर्ट कर देना, तो जाहिर सी बात है आंसर क्या मिलेगा, 0,0 तो मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है 2 + 3 आयोटा, अगर तुम इसको ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करवाओ जिसके तमाम के तमाम साइन ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के उलट आ रहे हैं, यानी कि इसका इनवर्स आ रहा है, ये एडिटिव इनवर्स आ रहा है। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, 3 आउट से 3 आउट भी कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0,0 आ जाएगा। इट्स क्वाइट ऑब्वियस मेरा बेटा। इनवर्स एलिमेंट के अंदर एडिटिव इनवर्स क्या होता है, आपको ये बात क्लियर होने से पहले ये इनवर्स एलिमेंट क्लियर होना चाहिए कि ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से ऑपरेट करवाना कि आंसर में तुम्हारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब तुम आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ चुके हो, एडिटिव का क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 0,0 होता है। तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑपरेट करवाना है, चूंकि तुम एडिटिव इनवर्स पढ़ रहे हो तो एडिटिव इनवर्स के मायने क्या हुए, प्लस, सही है ना, क्या हुए प्लस हुए। ऑपरेशन कौन सा होगा, एडिटिव का मतलब प्लस। अब z को तुम क्या करवाओगे कि भाई सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए, माइनस ही करवाओगे ना मेरा बेटा, दैट्स द बेसिक रीजन। क्लियर है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देख लो तो यहाँ पे अच्छा नेगेटिव z जो होता है ना, बेसिकली दिस नेगेटिव z इज नोन एज एडिटिव इनवर्स। और वैसे ये टॉपिक में वैसे भी आपको पढ़ा चुका हूं कि बेसिकली एडिटिव इनवर्स है क्या चीज। एडिटिव इनवर्स होता है कि आप अपने ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के तमाम टर्म्स के साइन कन्वर्ट कर देना। ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एडिटिव इनवर्स मैंने वैसे भी आपको पढ़ाया हुआ है, तमाम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के साइन कन्वर्ट करना, बेसिकली एडिटिव इनवर्स। दोनों टर्म्स से साइन कन्वर्ट करना, रियल पार्ट के भी, इमेजिनरी पार्ट के भी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगेन हम पढ़ चुके हैं कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो उसका डिवीजन जो होता है बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, सही है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मैंने आपको फॉर्मुला पढ़ाया हुआ है, इसको मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन बेस्ड पार्ट उसका इनवर्स कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। इसका फॉर्मुला आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, क्या फॉर्मुला होता है मेरा बेटा, इसको लेट्स सपोज आपके पास a, b कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, तो क्या फॉर्मुला होगा मेरा बेटा, ये होता है a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, कॉमा का सिंबल, फिर माइनस साइन होता है फॉर्मुले का, यहाँ पे आ जाएगा b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये जो आपके पास टर्म आ रही है बेसिकली क्या आ रही है, ये एडिटिव इनवर्स की आ रही है। किसकी टर्म आ रही है, एडिटिव इनवर्स की आ रही है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है एडिटिव इनवर्स का। क्लियर है मेरा बच्चा। तो बेसिकली आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को, अब अगेन अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करूं तो कॉन्सेप्ट बहुत ही मजे का है कि भाई देखो आप एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हो। यानी कि बेसिकली यार तुम्हारे पास तुम्हारे ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, सही है ना, तुम्हारे ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तुमने उसका प्रोडक्ट लेना है, तुमने उसका क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है उसी के इनवर्स के साथ कि आंसर में क्या है तुम्हारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी आना चाहिए ना यहाँ पे। अब चूंकि प्रोडक्ट ले रहे हो तो आइडेंटिटी कौन सी होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। अब तुम्हें बात मालूम है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1,0। तो यहाँ से इस बात को प्रूव भी कर लेंगे 1,0 आ कैसे रहा होता है। अब लेट सपोज तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, क्या ये तुम्हारे पास आ रहा है, अल्लाह वाला करे 2,3 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारे पास 2,3 है। इसी का देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लो पहले। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 2 स्क्वायर प्लस का, सॉरी अंडर रूट के बगैर क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फॉर्मूला 2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 3 का स्क्वायर इज 9, कॉमा माइनस का सिंबल, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से तुम्हारे पास नेगेटिव का 3 एडिटिव का एडिटिव अगेन 4 प्लस का 9, सही है ना। तो तुम्हारे पास बेसिकली ये टर्म आ रही होगी 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 इज 13 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 इज 13, सही है। तो यानी कि तुमने इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करवा देना है 2 डिवाइडेड बाय 13 कॉमा माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 13, यानी कि तुमने अपने ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आंसर में तुम्हारे पास क्या बचेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। आप इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं क्या आएगा मेरा बेटा, आपके पास आंसर के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा होगा फाइनली। क्लियर है। इस तरीके से आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का टॉपिक होता है। तो भाई ये जो मैंने बातें करी हैं, बातें बहुत सिंपल चीज है, मुश्किल या लॉजिकल बात नहीं है। आपने घर पे जाके इनकी या घर पे बैठ के आपने खाली इसको एक बार प्रैक्टिस करनी है, आप इजी सारी बातें क्लियर कर सकते हो। क्योंकि प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको एटलीस्ट आने चाहिए मेरा बेटा, क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है। यहाँ तक की बात आई होप तमाम के तमाम बच्चों को क्लियर होगी इंशाल्लाह।